शुभ सकाल पिला माने इ सुविधा कार्यक्रम को तुम मान स्वागत। आज साहित्य शिक्षादान क्रम आम दशम श्रेणीर आउ एक कविता संपर्क आलोचना करवा। कविताटर नाम हूँ राघवं लंका यात्रा अनुकूल। कवि हेले कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। तेरे कविताटी आलोचना पूर्व प्रथमे कवि परिचय संपर्क आम जाना। ओडिया साहित्य रे बलिष्ठ कवित्व पाई उपेन्द्र भंज कवि सम्राट भाव में परिचित। से सप्तदश शताब्दीर शेषार्धरे भंजनगर अनदी दूर अवस्थित घुमुसर राजवंश रे जन्मग्रहण करथिले। रामतारक मंत्र जप करी से कवित्व शक्तिर अधिकारी होइथिले। से निजे गोटे जगार स्वीकार करिसेंती कथा पद्य आकार से लिखिंट तरणी वंशर सार अनुग्रह रुतांकर कहे उपेन्द्र भंज मु करी शबद सगर पार। तरणी वंश कहले सूर्यवंश। सूर्यवंशर सार हूँ रामचंद्र। रामचंद्र अनुग्रह कृपार से शब्द रूपक समुद्र को अतिक्रम करने कथा निजे स्वीकार कर तेणु ये लिखाई जो रामतारक मंत्र जप करी से कवित्व शक्तिर अधिकारी होती। तेरे साहित्य कृति गुड़िक संपर्क में आलोचना करवा। जो सारस्वत कृति ओडिया साहित्य को पुष्क परिपुष्ट करगुड़िकला कोटी ब्रह्मांड सुंदरी लावण्यवती वैदेश विलास रसिक हरावली प्रेम सुधानिधि सुभद्रा परिणय कला कौतुक छांदभूषण इत्यादि काव्य एवं रसवंचक एक गीतात्मक आलंकारिक कृति एवं से मध्य एक अभिधान बा शब्दकोश प्रणयन करिसेंती। तार नाटी होची गीताभिधान। ता हूँ एक पद्यात्मक शब्दकोश पद्य आकार रे से थिरे से अनेक शब्द ये करिसेंती। जेमती आमर सब शब्दकोश बा इंग्रजी जहाँ को डिक्शनरी कहूचे विभिन्न कठिन शब्दर अर्थ आम से पाचे सेमती पद्य आकार से एक अभिधान तैयारी करिसेंती जार नाँ हूँ गीताभिधान। तेरे वर्तमान कविता संपर्क टी आलोचना करवा। ब अनुप्रास रचित बावन छांद विशिष्ट वैदेश विलासर चालीस छांदर ए कविताटी आसी। ब अनुप्रास कहले कविताटीर काव्यर प्रत्येक पदर आरंभ ब अक्षर हो तेणु ब अनुप्रास से वैदेश विलास काव्य रचना करिसेंती। बावन छांद विशिष्ट ताहार चालीस छांदर ये कविताटी आसी। तेरे कवितार पृष्ठभूमि कौन कौ कथा को आधार कर कविताटी रचित होती। लंकाधिपति रावण द्वारा सीता अपहृत होती अपहृता होती। रामचंद्र सीता अन्वेषण कर संवाद नापर आज समुद्र निकट में उपस्थित होती। मात्र समुद्र को अतिक्रम कले से लंकारी उपस्थित हो सीता उद्धार करेंगे। समुद्र प्रतिबंधक सृष्टि करठी समुद्र बांधापी समुद्र में सेतु बांधापी उद्यम एवं ये संवाद पहुँची रावण पाखे। रावणर कूटनैतिक बार्ता प्रेरण इत्यादि ये कविताटी वर्णित होती। उपेन्द्र भंजर जो शब्द संयोजन कौशल आउ अलंकार प्रियता इत्यादि आम प्रमाण पाइपर ते वर्तमान आम कवितार किसी पद पाठ करवा पाठ करी तक आलोचना करवा। बलिला राघव आशा सीता प्राप्ति रे विचारिले सिंधुपति जीवा पर्वत रे जे बुड़ी गला पकाइले कपि जेते गिरी बुद्बुद नदी से जल फिफिकृत करीजे विस्मयी निश्वास तेजी वरुण प्रसन्ने विनाशन रे शयन से दर्भ शयने जे बुधे शुण अन्य प्रसंग कुदस शिर बरगिला से सुकसा रण करी चारो जे विभीषणे कह ज्येष्ठ
भ्राता पिता सरी बुझी न बुझी को पिता बाणी पिता करी जे विभूति की भुंजुथिलो विभूति भूषणे बड़ कूले जनमी शरण की कारणे जे बोल अंगद कुपिता शत्रु भक्ति पुण्य बादर चाई पितृव्य बाहुड़ा सैन्य जे तेबे ये पद गुड़िक आम पाठ कले वर्तमान से पद संपर्क आम आलोचना करवा जे बलिला राघव आशा सीता प्राप्ति रे रामचंद्र सीता पाइबापी व्यग्र ही पड़े संवाद नहीं से बुझले जे रावण अशोक वन में सीता बंदिनी अच्छा तेणु सीता अन्वेषण कर समुद्र निकट उपस्थित हेले तेरे प्रतिबंधक सृष्टि कला समुद्र समुद्र में एक सेतुबंध निर्माण करने कपि सैन्य मानक नियोजित कले कपि सैन्य मैंने जिते पहाड़ पर्वत नहीं समुद्र में निक्षेप कले से पहाड़ पर्वत गुड़िक समुद्र अतल जल में निमग्न हो गला तार चिह्नवर्ण देखागला ना केवल जलर फिफिकृत शब्द छड़ा आउ किसी दृश्यमान है ना तेणु रामचंद्र ए विस्मयान्वित मनरे ये गोटे चिंता आसला जे जलाधिपति वरुण को आराधना नक वरुण अनुमति न नहीं से कार्य कर बोध ये कार्य विघ्न सृष्टि होणु से जलाधिपति वरुण को उपासना करने को आरंभ कले एमको गोटे समाज को गोटे दिग्दर्शन दिखाई जे स्वयं भगवान हेले देवता उपासना करने को पड़ू तेणु से जलाधिपति वरुण उपासना करना सन अर्थात बिना भोजन रे समुद्र तटे दर्भ शयन मान कुशसज्यारे से शयन कर वरुण आराधना करने को लगिले बर्तमान एटी प्रसंगर परिवर्तन करी कवि अन्य प्रसंग को गले से कहले बुधे शुण अन्य प्रसंग को दश शिर अन्य प्रसंग कौन ये संवाद दश शिर रावण निकट में पहुँची जे समुद्र निकटे आसी रामचंद्र पहुँची गले से ही समय रे, से तार दुई विश्वस्त मंत्री शुक और सारण को किसी कूटनैतिक बार्ता दे राम शिविर को प्रेरण कर रावण केवल जे जे शक्तिशाली योद्धा थे नुहे से मध्य जड़े कूटनीति विशारद थे कहीं ये कनिष्ठ भ्राता विभीषण जी रामचंद्र शिविर जोग देते जहाँ रावण पर एक विपद सेपटे बाली सान भाई सुग्रीव एवं बालीपुत्र अंगद सैन्य बाहन नहीं रामचंद्र निकट उपस्थित अच्छा तेणु शुक सारण हाथ में एक कूटनैतिक बार्ता रावण प्रेरण कर किपरी विभीषण प्रत्यागमन करी निज राज्य को चली आसवे एवं अंगद एवं सुग्रीव मध्य केमी गोटे बिवाद सृष्टि से बार्ता प्रेरण कर विभीषण बार्ता दे कही शुक सारण हाथ में बार्ता देते ज्येष्ठ भ्राता हूँ पिता सदृश जदि से क्रोधवशत किसी से कथा को खराब बोली भाव उचित नुहे एवं ये लंका राज्य रही तू अनेक धन सम्पद विभव विलास व्यसन मध्य जीवन जापन करूलु विभूति भूषण पाउँश को अलंकार भाव में धारण करुवा रामचंद्र निकट कौन तू लाभ पाइव एवं बड़कूले जन्मी शरण की कारण आमे माने बड़कूले जन्म अर्थात ब्राह्मण कूले जन्म मात्र राम क्षत्रिय वंशर जन्म उच्च वंशर जात होता व्यक्ति निम्न वंश जात व्यक्ति निकट शरणागत हवा कदापि सम्मानजनक नुहे यही से कूटनैतिक बार्ता देते पुनर्बार अंगद निकट को बार्ता देते बोल अंगद को पितृ शत्रु भक्ति पुण्य अर्थात जे पितांगर शत्रु तांकु भक्ति करिवा पुण्य कार्य नुहे यही भाव में से कूटनैतिक बार्ता प्रेरण कर पदगुड़िक जहाँ पाठ कले भितर कौन कठिन शब्द अच्छी व्याकरणगत प्रश्न अच्छी आम देखा राघव कहले रामचंद्र जमी आम पूर्व अध्याय आलोचना करते पांडुंर पुत्र होती पांडव पंडु ए पांडुक्त अपांडव से रघुजुक्त प्रत्यय होकर राघव होती राघव कहले रामचंद्र।
बुद्बुद बुद्बुद कहले पानी फोटका बरुण बरुण हूँ जलाधिपति वर्तमान आम कि प्रतिशब्द लिखा सिंधु समुद्र रत्नाकर सेहीपरि पर्वत शैल गिरी तेरे आम ये पद गुड़िक पाठ कले भितर कठिन शब्द जानले प्रतिशब्द जानले आउ कौन आम सब किपरि रावण रामचंद्र चेष्टा आ रावण जो कूटनैतिक वार्ता से संपर्क में अवगत हेले परवर्ती कालांशरे अन्य जहाँ कवि कही से संपर्क में आलोचना करिया। वर्तमान ये शिक्षादान रखा। धन्यवाद।